दिवाली पर सभी घर जगमगाते हैं, हर घर के आगे दिया नजर आता है जो घर आंगन को रोशनी से भर देता है। इस बार दिवाली पर मिट्टी से बने डिजाइनर दीपों की सौंधी खुशबू से घर आंगन रोशन होंगे। वहीं लोग अपने घरों को सजाने के लिए मिट्टी और टेराकोटा के दीयों की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और बरसों से प्रचलित सजावटी मूर्तियों को लेकर बाहर के कुम्हारों ने शहर में डेरा डाल लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बरेली रोड से लगभग 1 किलोमीटर हाईवे पर तंबू लगाए बैठे इन दुकानदारों के यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से लोग अपनी दुकानों के लिए खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना काल के बाद इस बार कारोबार में चमक आएगी। आपको बता दें कि घरों में रहकर मिट्टी के बर्तन गढ़ने का पुश्तैनी काम कर रही महिलाएं भी दीपावली की तैयारियों में लग गई हैं। महिलाओं के पास कई तरह के दीपक रखे हुए हैं, के साथ ही हैंगिंग दिए, मिट्टी के झूमर, घंटी, लालटेन, नाइट लैंप का खूबसूरत संग्रह मौजूद है। फिलहाल पहाड़ों के दुकानदारों के खरीदारी को आना शुरू हो गए हैं और अब त्योहारी माहौल में शहर रम चुका है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखो, मांग तो मिट्टी की बढ़ते जा रही है। जो फैंसी मोमबत्तियां आ रही थी उनकी खपत कम और मिट्टी की खपत ज्यादा है। अब दिए ज़्यादा जल रहे हैं घरों में। और बाकी रेटों का क्या है, रेट तो आए दिन बढ़ेंगे, हर चीज़ बढ़ी रही है, घटने का तो है ही नहीं, सब चीज़ बढ़ी रही है। और बाकी मूर्तियाँ है, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बिकती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ ज़्यादा बिक रही है। आज मैं यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए आया हूँ, अपने दुकान के हिसाब से आया हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ये करवा चौथ के व्रत और दिवाली के रिगार्डिंग आगे मिल रही हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सामान लेने हैं। बहुत अच्छा सामान है यहाँ पर, हर एक चीज़, मतलब जो रेटों की महंगाई में थोड़ा बहुत अंतर तो है, पर उतना ज्यादा कुछ नहीं है इन चीजों से रिगार्डिंग, इन चीजों के बारे में।